हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का, जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक कोटेशन आपको बताना चाहेंगे कि सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। यानी कि जो कड़ी मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि शॉर्टकट में हम सफल हो जाएं। देखिए, कभी भी सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरू से आपको अपने सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का यार फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 12 के एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश क्या है। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर लेता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, या एबोनाइट की छड़ को हम फर से रगड़ते हैं, फर मीन्स बाल होता है, तो ये चार्ज हो जाता है। तो हम कहेंगे विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर देता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि कांच की छड़ को जब सिल्क से या एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। आप घर पर भी ये एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं कि जब मान लेते हैं अगर कोई कंघी आप लेते हैं, कंघी में आप कंघी को अपने बाल से रब करते हैं, तब वो कंघी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। और जैसे ही बीट्स ऑफ पेपर के पास, कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उस कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये विद्युत आवेश के कारण होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लिए, जैसे ग्लास का रड है। अब ग्लास के रड को जब सिल्क के क्लॉथ से अगर रब करते हैं, ये दोनों तरफ कपड़ा से रब कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि सिल्क का क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है और ग्लास का जो रड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। मीन्स ग्लास के रड से जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जा रहा है, इस सिल्क क्लॉथ पे आ जा रहा है। जिस पर चार्ज आ जाता है वो हम नेगेटिव चार्ज कह देते हैं, और जो चार्ज दे देता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं। तो यहाँ पे ग्लास रड आप देख रहे हैं कि ये ग्लास रड पॉजिटिव हो जा रहा है और सिल्क क्लॉथ जो हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत आवेश कौन सा राशि है। तो कहेंगे विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम, और इसका विमीय सूत्र होता है एटी। एटी का मतलब एम्पियर, ए से मतलब होता है एम्पियर और टी से मतलब होता है समय। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कांच की छड़ को जब सिल्क से रगड़ते हैं या एबोनाइट छड़ को अगर हम रगड़ते हैं फर से, तो वो आवेशित हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एनिमल फर है, जब एनिमल फर यानी कि जानवर की बाल में अगर हम एबोनाइट की छड़ को भी रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है। एबोनाइट की छड़ जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है और फर जो होता है यानी कि हेयर वो पॉजिटिव हो जाता है। जब आप कंघी को आप बाल से रगड़ते हैं तो कंघी जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये चार्ज के कारण हो रहा है, और विद्युत चार्ज यानी कि विद्युत आवेश जो होता है हम कहेंगे एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बताया था।
और विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो एटी होता है। एटी कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम है और सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है स्टेट कूलम। याद रखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो कहेंगे चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टेट कूलम होता है और यह एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र एटी होता है। एटी कैसे होता है आप समझ सकते हैं, विद्युत आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा गुणे समय होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है और एम्पियर को हम लोग एक कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं और टाइम का जो होता है यानी कि समय का सेकेंड होता है, सेकेंड को अगर विमीय सूत्र में लिखना होता है तो कैपिटल टी से लिख लेते हैं। तो इस तरह से विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो एटी हो गया। इसमें नोट वाली बात है, आप ध्यान से समझिएगा कि यदि एक कूलम अगर आपसे आवेश पूछ दे कि एक कूलम आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए, अगर एक कूलम अगर आपसे आवेश पूछ दे कूलम किसे कहते हैं तो हम ऐसे कहेंगे विद्युत आवेश का मात्रक एक कूलम और विद्युत धारा का मतलब एक एम्पियर और इनटू एक सेकेंड। अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि एक कूलम इज इक्वल टू एक एम्पियर इनटू वन सेकेंड, तो हम कहेंगे कि किसी चालक में जब एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को हम एक कूलम कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी एक कूलम की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक पदार्थ में जब एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है, जब विद्युत किसी विद्युत चालक में अगर एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को हम एक कूलम कह देते हैं। तो एक कूलम को अगर परिभाषित करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा एक कूलम होगी और एक कूलम इज इक्वल टू एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। यदि ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड, ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा कि एक कूलम इज इक्वल टू एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड, यानी कि जब किसी विद्युत चालक में जब एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम एक कूलम कहते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो आवेश होता है, आवेश विद्युत आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है। वैसे तो कूलम जो होता है विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है, विद्युत आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का छोटा मात्रक माइक्रो कूलम होता है, माइक्रो कूलम होता है, पिको कूलम होता है। तो आप याद रखिएगा अगर एक माइक्रो कूलम की बात करेंगे तो एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10^-6 कूलम होता है, एक माइक्रो कूलम या एक पिको कूलम इज इक्वल टू 10^-12 कूलम होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10^-6 कूलम, एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू या एक पिको कूलम इज इक्वल टू 10^-12 और वन कूलम इज इक्वल टू ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलम में अगर सीजीएस में पूछा जाए कि एक सीजीएस में एक कूलम बराबर क्या होता है तो कहेंगे 3×10^9 ESU। याद रखिएगा एक कूलम बराबर 3×10^9 ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। हम 1 ESU की बात करें बाबू, अगर 1 ESU अगर पूछ देगा तो ये 3×10^9 जो है बाई में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3×10^-9 कूलम कह सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि 1 ESU 1 ELU इज इक्वल टू कितना कूलम होगा तो हम कहेंगे 1/3×10^-9 कूलम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो वो सीजीएस सिस्टम में होता है -4.8 × 10⁻¹⁰ ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो याद रखिएगा इन सीजीएस सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं ना, वो -4.8 × 10⁻¹⁰ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर 1 कूलम को अगर ESU में चेंज करना होगा तो सिंपल हम जानते हैं ये फॉर्मूला, ये आप देख रहे हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला आप तो याद कर लिए कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹ ESU। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस तरह से वो आया हुआ है। तो अगर उसको लाना होगा तो हम कहेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू -4.8 × 10⁻¹⁰ बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, क्योंकि 1 कूलम को अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो इस तरह से कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर बाबू आपसे ये पूछा जाए कि 1 कूलम बराबर क्या होगा, तो सिंपल हम कहेंगे 1/1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। अगर हमको इसी को सीजीएस में अगर चेंज करना होगा तो 4.8 × 10⁻¹⁰ से हम क्या करते हैं इंटू कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 3 × 10⁻¹⁹ ESU। तो याद रखिएगा कि अगर 1 कूलम को अगर हम सीजीएस यूनिट में चेंज करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे कि -4.8 × 10⁻¹⁰ और बाई, चूंकि ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 10⁻¹⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹ ESU। तो अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये स्पेशल 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कभी कभी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का वैल्यू पूछ देता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। 1 EMU का जो वैल्यू होता है वो कूलम में 10 कूलम होता है। या फिर अगर 1 कूलम इज इक्वल टू पूछे कि व्हाट इज द 1 कूलम इन EMU, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ EMU। यानी कि 1 कूलम को अगर हमें EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चेंज करना हो तो हम कहेंगे 10⁻¹⁰ EMU। अब आप देखिए नोट में स्पेशल कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस नियम को क्वेंडिस का स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे क्वेंडिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया अपने प्रयोग के द्वारा कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चूंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश हो या नेगेटिव नेगेटिव आवेश हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि पॉजिटिव आवेश हो और एक नेगेटिव आवेश हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले क्वेंडिस नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसे हम क्वेंडिस का स्थिर वैद्युतिकी का आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम भी कह देते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है दोनों एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। देख रहे हैं पॉजिटिव वाला इधर भाग रहा है, वो पॉजिटिव उधर भाग रहा है, ये नेगेटिव इधर भाग रहा है, वो नेगेटिव उधर। मतलब ये लाइक चार्जेज हैं। जब लाइक चार्जेज होते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, दोनों हट जाते हैं। जैसे मान लेते हैं बॉय बॉय में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, गर्ल गर्ल में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब तो मान लेते हैं एक्सेप्शन कुछ है, सरों में तो कुछ भी चलता है। नेचर के अपोजिट हम चलेंगे तो हम अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। अक्सर ये बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, बॉय बॉय को
बॉय बॉय के साथ रह रहा है तो गर्ल गर्ल के साथ रह रही है, ऐसा अक्सर होता है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर के अपोजिट हम जा रहे हैं। हमारा साइंस भी कहता है कि हमेशा एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। भैया अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी हम जनरेशन बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा एक साथ तभी जनरेशन आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम नेचर के अंगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, यह हमारा साइंस कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो कभी भी एक दूसरे को साथ नहीं दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल्स होंगे, चाहे वो कहीं भी कभी भी रहें। हो सकता है कुछ देर के लिए एक जगह पर रह जाएं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक साथ कभी रह नहीं सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी बॉय बॉय एक साथ नहीं रह सकता है, गर्ल गर्ल एक साथ नहीं रह सकती है। भले कुछ समय के लिए वो रह जाएं, लेकिन वो नेचर के अंगेंस्ट में जा रहे हैं, वो कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि लड़की जो होती है लड़के के प्रति अट्रैक्ट होती है, या लड़के जो होते हैं लड़की के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये हमारा जो बॉडी है वो नेचुरल बॉडी है, नेचुरल को कोई काट नहीं सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंस होता है वो हमेशा बना रहता है, कोई कुछ इसको चेंजिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करें या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करें। तो इस तरह से लाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल टू इच अदर एंड लाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर, यानी कि समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कथन सबसे पहले हमारे क्वेंडिस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हम कहते हैं क्वेंडिस का स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम। तो चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के नेक्स्ट पॉइंट का, कि पदार्थों का वर्गीकरण। ये विद्युत आवेश का ही एक भाग है, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो पदार्थ को हम कह सकते हैं चालक में, कुचालक में, अर्धचालक में या पराविद्युतांक में। इस तरह से चार भागों में बांटा गया है। हम सबसे पहला बात कर रहे हैं चालक, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालक कहलाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा चालक कहलाता है। जैसे हम कह देते हैं कि जो सोना होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, ये सब चालक पदार्थ है। सिंपल रूप में हम कहेंगे कि जितने भी धातुएं होते हैं वो सभी धातुएं चालक पदार्थ होते हैं। यहाँ तक कि अम्ल, लवण और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो भी चालक का उदाहरण कह सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, मानव जो जीव जंतु हैं वो भी चालक पदार्थ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। हम तार को पकड़ने जाएंगे तो हमें करंट फील होगा, क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है खुद में एक चालक पदार्थ है। इसको आप एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं कि चांदी सर्वोत्तम चालकों में से, के कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा चालक सर्वोत्तम है, क्योंकि चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए सर्वोत्तम चालक कहा जाता है। इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, फेरस मींस आपका आयरन हो गया, एजी मतलब पारा हो गया, मानव एवं जंतु, अम्ल, क्षारों एवं लवणों का जलीय विलयन भी चालकों का उदाहरण है। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है एंड सी वाटर। सी वाटर का मतलब समुद्र का जल। ये जो भी खारा जल होता है, खारा पानी, वो आपका चालक होता है। लेकिन शुद्ध जल की बात करें, जिसे डिस्टिल वाटर की बात करें, तो डिस्टिल वाटर जो होता है कुचालक होता है। याद रखिएगा, वाटर कहाँ देना ही मतलब बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर आपको जोड़ना है चालक। अगर आपको कहना होगा तो वहाँ पे सी वाटर कहेंगे, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज वाटर होते हैं, जो खारा जल जिसको हम लोग बोलते हैं,
और एक मीठा जल बोलते हैं। तो जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर मीठा होता है, वो हम पी नहीं सकते हैं, वो आपको डिस्टिल की तरह हम लोग बैटरियों में यूज़ करते हैं, वो कुचालक होता है और चालक हम सी वाटर को कहेंगे। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात करें तो हम कहेंगे कि विद्युत रोधी या चालक। विद्युत रोधी या चालक किसे कहेंगे कि मीन्स वैसा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, ऐसा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ऐसे पदार्थ को हम कुचालक कहते हैं या फिर हम अचालक कहेंगे या फिर विद्युत रोधी कहेंगे। तो ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। जैसे हम बात करें तो बेकेलाइट, गंधक या रबड़ कहिए, ग्लास कहिए, ऑयल कहिए, डायमंड कहिए, ड्राई वुड मीन सूखा लकड़ी कहिए, ये सब जो है वो कुचालक पदार्थ में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अर्धचालक का। हम लोग अभी तक चालक के बारे में पढ़ें, कुचालक के बारे में पढ़ें, अब हम लोग बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ऐसा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, नगण्य नहीं कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। चालक और कुचालक के मध्य जब कोई भी पदार्थ होता है उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन आता है, कार्बन आता है, जर्मेनियम आता है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्धचालक मतलब जो पदार्थ हो उसमें आधा चालक हो, न पूर्ण रूप से चालक का काम करे न पूर्ण रूप से कुचालक का काम करे, यानी कि चालक और कुचालक के मध्य जो पदार्थ का प्रकृति होता है उस पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। और वो पदार्थ सिलिकॉन आते हैं, जर्मेनियम आते हैं, कार्बन आते हैं और फास्फोरस भी आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा चालक, अर्धचालक और आपका कुचालक। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं कि ये पी टाइप एंड एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, इसमें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा एनपीएन कंडक्टर सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये सिलिकॉन का, सबस्टेनियन का, ये सिलिकॉन का, बिस्मथ का बने होते हैं। इसमें कुछ डोनर होते हैं, कुछ एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि पी टाइप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एन टाइप जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो सेमीकंडक्टर का होता है। सेमीकंडक्टर का यूज जो होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। कहाँ कहाँ होता है जब आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल पूरा चैप्टर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ की, पराविद्युत, जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। पराविद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालक के संचरित होता है, जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज आदि। सिंपल कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनमें बिना रुकावट के विद्युत प्रवाह आसानी से प्रवाह हो जाए, वैसे पदार्थ को पराविद्युत कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये एक्चुअली जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में हम इसको यूज करते हैं, जिसको आप कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक, बीच वाला भाग आप देख रहे हैं ये डाइइलेक्ट्रिक है और ये टर्मिनल है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज का फ्लो होना। ये मेटल प्लेट्स हैं, यानी कि धातु का प्लेट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिना रुके हुए जाता है। कैपेसिटर में भी आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटर में कि दो प्लेट होता है। अगर हम दो प्लेट्स इस तरह से हम कर लेते हैं पी क्यू, और इस पर प्लस क्यू चार्ज होता है और इस पर माइनस क्यू चार्ज होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम स्मॉल डी कर लेते हैं
तो ये बाबू इसमें जो भरा हुआ रहता है इसको डाइलेक्टिक बोल देते हैं। डाइलेक्टिक का मतलब इसके अंदर P और Q के बीच में कुचालक पदार्थ होता है, चाहे वो वायु कहिए या फिर अवरक कहिए या फिर कोई भी चीज़ इसमें हम लोग कुचालक के रूप में डाल देते हैं, जो कैपेसिटर के रूप में बन करके ये तैयार हो जाता है, जिसका काम होता है आवेश या ऊर्जा को संरक्षित करना। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका नोट का कि किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को तथा ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों के अधिक्य को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है अगर वो धनावेशित है तो धनावेशित कहने का मतलब यह है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, और जो ऋणावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रहा है। यानी कि सपोज दैट ऐसे समझिए कि हमारे पास 1,00,000 रुपया है और हम 1,00,000 रुपया में से 50,000 रुपया हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। तो हम जब बांट रहे हैं तो हम कहेंगे, कोई दूसरा लोग देखेगा यार बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है, इसीलिए तो पैसा बांट रहा है। तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो हमारे पास पैसे का वेट जो है वो कम हो रहा है। या पहले 1,00,000 रुपीज थी तो उसमें जो वेट था, वजन था, वो ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे 50,000 रुपया पे आ गया, तो 50,000 रुपया तो चला गया। अब चला गया तो हमारे पास क्या हो गया कि पैसे की कमी होने लगी। तो हमारे पास पैसे की कमी ये बता रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, हम धनात्मक हैं, और जिसको दे रहे हैं वो नेगेटिव है। वो लेने वाला होता है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है और देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जिस पदार्थ से मान लेते हैं ये पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आवेशन की विधियां तथा प्रेरण। आवेशन की विधियां तथा प्रेरण, ये अलग अलग टाइप के आवेश का मेथड होता है, उसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो चालकीय विद्युतीकरण, कहेंगे चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। यदि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश प्राप्त किया जा सकता है। मान लिया कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ऋणावेशित है ना, ये क्या है अनावेशित ये है, और ये क्या है आवेशित है। ध्यान से समझिए, यदि किसी अनावेशित, ये वस्तु जो है अनावेशित है, अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये आवेशित है, ये अनावेशित है। जब किसी अनावेशित वस्तु को जब आवेशित वस्तु के संपर्क में कराया जाता है, इसके संपर्क में करा देते हैं, तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश प्राप्त हो जाता है। यानी कि जितना इस पर आवेश होता है वो उसका 50% इसमें आ जाता है और दोनों आवेश बराबर हो जाते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव ये होगा तो इसका कुछ भाग जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल चार्ज हो जाएगा, एक में नेगेटिव और दूसरा में पॉजिटिव, तो ये बराबर आवेश का निर्माण कर देते हैं। इसको हम दूसरे फिगर से आप समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर कोई आवेश नहीं है, अनचार्ज है, और ये चार्ज बॉडी है, आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। जब दोनों के संपर्क में लाते हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों के संपर्क में ला रहे हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है इस बॉडी में आ जाता है, और ये तब तक आता है जब तक कि दोनों बॉडी का जो चार्ज हो इक्वल न हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी 2, 2, 4, 6 इस पे चार्ज है, तो इस पे 3 आ जाता है, 3 बच जाता है और इस पे 3 आ जाता है, दोनों इक्वल चार्ज होंगे, तो इसी को बोलते हैं चालकीय विद्युतीकरण। ये चल करके इस पे आया, चल करके आया और अपना आधा इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे दिया, जिसे हम चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं। इसको परिभाषित करना होगा तो कहेंगे, यदि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के चालक के स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर
आवेशित चालक के समान परिमाण के आवेश आ जाता है। इसी को हम लोग चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, हम घर्षणात्मक विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि दो उचित पदार्थों को उचित दशाओं में रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को ही घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर की कमीज को शरीर से उतारने पर अंधेरे में चिंगारी उत्पन्न होती है, शुष्क बालों के से कंघी घुमाने पर विद्युत आवेशित हो जाती है। आप अक्सर देखे होंगे कि अगर पॉलिस्टर का कमीज पहने हुए हैं और आप घर अंधेरे कमरे में जाते हैं और कपड़े को खोलते हैं तो पूरा चिंगारी टाइप का निकलने लगती है, तो ये आवेशित हो जाता है। जब हम लोग चलते हैं तो धीरे धीरे ये चार्ज हो जाता है और जैसे इस कपड़ा को खोलते हैं ये चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। या आप कभी देखे होंगे कि जो कॉलर वाले आपके क्लॉथ होते हैं, कपड़े जो पहनते हैं कॉलर वाले, वो अक्सर गंदा हो जाता है। जो आप देखते होंगे रिस्ट के पास जो आपका क्लॉथ का होता है ये हमेशा गंदा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे करते हैं तो ये घर्षण होता है। घर्षण होने के वजह से यहाँ पर या गर्दन पर ये हमेशा चार्ज हो जाता है और जो धूल कण हमारे गर्दन पे या हाथों हथेलियों में आता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके वजह से वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तो हम कहेंगे घर्षणात्मक विद्युतीकरण, यानी कि जब अगर हम कंघी को अगर बाल में रगड़ते हैं तो ये घर्षण हो रहा है, घर्षण से जब उत्पन्न इसमें आवेश हो जाता है तो इस प्रकार को घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। या जब आप हथेली को रगड़ते हैं तो हथेली गर्म हो जाता है, तो ये घर्षण के कारण ये पूरी तरह से गर्म हो जाता है, यानी कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको फिगर से आप समझिएगा, जब ये कंघी से बाल झाड़ रहा है तो झाड़ने के बाद जैसे ही कंघी को बिट्स ऑफ पेपर के पास यानी कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जा रहा है तो वो उसे आकर्षित करने लगती है। तो इस प्रकार के जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसे हम घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। चलिए हम ये थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम इसको कहेंगे कि वह क्रम जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत चिन्ह के आवेश उत्पन्न कर दे को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को बिना टच किए कह रहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन, जब वह क्रम जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना, यानी कि बिना स्पर्श किए उसमें आवेश उत्पन्न कर दे को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको आप इस तरह से ग्राफ में समझ सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दो वस्तु हैं, अभी ये टच नहीं किया है, जैसे ही ये वस्तु टच करता है इस वस्तु का आवेश जो होता है वो ग्राउंड में अर्थ में चला जाता है। तो इस प्रकार का जो उत्पन्न होते हैं उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कह देते हैं। या आप ये देखिए कि नीचे वाला जो पॉजिटिव चार्ज है अब इस वस्तु से जैसे ही टकराता है ये धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। यानी कि ये बिना टच किए, ये किनारे है, अलग है, साइड में, उसका प्रभाव इस वस्तु पर पड़ता है, जैसे प्रभाव इस वस्तु पर पड़ता है वो चार्ज हो जाता है। यानी कि बिना टच किए, बिना स्पर्श किए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का प्रवाह होना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम चौथा नोट, ये आप याद रखिएगा कि जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो धनात्मक कहलाते हैं, जबकि पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं उसे हम ऋणात्मक कह देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि धनी व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो हमेशा दान दे, हमेशा डोनेट करे, और गरीब आदमी उसी को कहते हैं जो हमेशा लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वस्तु जो आवेश को हमेशा देने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की कोशिश करता है, वैसे वस्तु को धनात्मक वस्तु कहते हैं। अब वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने का कोशिश करता है वैसे वस्तु को ऋणात्मक कहते हैं। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होता है, सर कैसे जानेंगे कि कौन सा वस्तु जो है वो पॉजिटिव होता है, कौन सा वस्तु जो होता है नेगेटिव। देखिए ठीक उसी तरह से पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति अमीर है। जो लेने
का काम हमेशा करता है, मांगने का काम हमेशा करता है, तो हमेशा वो गरीबी होगा, और जो देने का काम करेगा हमेशा वो धनी होगा। तो उसी तरह से हमारा पदार्थ का भी एक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव में आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जो भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, कुछ हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये था नोट, हमेशा याद रखिएगा कि आवेशित पदार्थ और ऋणावेशित पदार्थ। यहाँ पे आप समझिएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ जो होता है हमेशा धनावेशित होता है और ऋणावेशित हमारा रेशम का कपड़ा बन जाता है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा या रेशम के कपड़े पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। तो कहेंगे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ हमेशा धनावेशित होता है, जबकि रेशम का कपड़ा हमेशा ऋणावेशित होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फर या ऊन। फर मतलब बाल होता है, और जानते हैं कि भेड़ की जो बाल होती है, यानी कि जो बाल से ऊन हम तैयार करते हैं, वो हम ऊन या हम फर कह सकते हैं, यानी कि बाल कह सकते हैं। तो जब हम फर या ऊन में एबोनाइट या रबड़ या अंबर, एबोनाइट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होता है कि सर एबोनाइट क्या है। एबोनाइट एक तरह का कह सकते हैं मोटा रबड़, मोटा रबड़ या रबड़ कहिए या अंबर कहिए, ये तीनों का प्रकृति एक ही है, रबड़ का काम करते हैं। जब ये हम फर या ऊन से रगड़ते हैं तो ये हमेशा फर या ऊन जो होता है धनावेशित हो जाता है, और एबोनाइट जो होता है वो ऋणात्मक बन जाता है। यानी कि जब हम प्लास्टिक की कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो बाल हमेशा पॉजिटिव, और कंघी जो होता है प्लास्टिक जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऊन को जब प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक हमारा ऋणावेशित और ऊन धनावेशित। जब सूखे बाल में प्लास्टिक की कंघी को रगड़ते हैं तो इस प्रकार से ये जो होता है प्लास्टिक का कंघी ऋणात्मक, और जो हमारा फर होता है यानी कि बाल जो होता है वो धनात्मक होता है। और चलते चलते एक कोटेशन आपको बताना चाहेंगे कि सफल वही बनता है जो समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल करता है, और जो समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं करता है वो हमेशा बेरोजगार होता है, हमेशा रोड पे घूमता है। तो याद रखिए, पढ़ाई करने का मतलब यह हुआ कि अपने टाइम को पंक्चुअलिटी करिए, हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करिए, हमेशा अपने स्टडी को कंप्लीट करिए, हमेशा अपने मेहनत पे भरोसा करिए, हमेशा रेगुलर पढ़ते रहिए, तभी आप सक्सेस होइए। तो जाते जाते एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि सफल वही बनता है जो समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल करता है। तो हमारे दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आप हमेशा अपने समय का सदुपयोग करिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। कोई टारगेट बड़ा नहीं होता है, बड़ा आपका लक्ष्य जो होता है वो बड़ा आपका लक्ष्य होता है। अगर लक्ष्य पाना होता है तो समय का सदुपयोग करिए, और समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर समय का सदुपयोग नहीं करिएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।